हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और इसका ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें कि आज हम एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 6 जैकोबियन स्टार्ट करेंगे। और जैकोबियन का ये पहला लेक्चर है, यानी स्टार्टिंग होगी आज से हमारे नए चैप्टर की। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ा रहा था तो मैंने आप सभी से कहा था कि जैकोबियन में पार्शियल डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल के जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए थे, 3 पार्ट में हमारा पार्शियल डिफरेंशियल 5-5 चैप्टर कंप्लीट हुआ था। तो जो भी बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पहले इससे पहले आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन जरूर देख लें, क्योंकि आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जानते हैं हम जैकोबियन के बारे में कि जैकोबियन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका कोई एक फंक्शन है, यू फंक्शन है एक्स वाई का, एंड ऐसे ही दूसरा फंक्शन बी है और बी यू एक फंक्शन है एक्स वाई का और वी क्या है, वी कोई दूसरा फंक्शन है एक्स वाई का। मतलब यू भी यहाँ पर एक्स और वाई के फंक्शन है। हम यहाँ कह सकते हैं क्या, यू एंड बी आर द फंक्शंस ऑफ किसके, एक्स एंड वाई। मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं कि यू भी एक्स एंड वाई के फंक्शन है। ठीक है, यू भी एक्स एंड वाई के फंक्शन है। तो जैकोबियन ऑफ यू भी क्या होगा, जैकोबियन ऑफ यू कोमा बी। हम जैकोबियन ऑफ यू भी को जे यू बी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम जे लिख करके और लिख सकते हैं यू और बी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये दो सिंबल हो गए। तो क्या होगा, यू बी का हमें जैकोबियन बताना है, यू हमारा एक्स वाई का एक फंक्शन है, बी एक्स वाई का दूसरा फंक्शन है। तो हमें यू बी का जैकोबियन बताना है, तो हम इसका सिंबल क्या बोलेंगे, जे आगे लिख देना, जे फॉर जैकोबियन यू बी, या फिर जे यू बी अपॉन एक्स वाई लिख देंगे, कोमा बीच में लगाना है आपको। इसका मतलब है यू एंड बी का एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। या फिर तीसरा सिंबल होता है इसका, डेल्टा यू कोमा वी अपॉन में डेल्टा एक्स कोमा वाई। इसे हम इस तरह से 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है जैकोबियन की, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा u और b है किसका, x और y का फंक्शन। तो यहाँ हमें u b का x y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन बताना है। तो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ u है तो पहले आप u का पार्शियल डिफरेंशियल कीजिए, u का पार्शियल डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में एंड u का पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हम u का क्या कर देंगे, पहले पार्शियल डिफरेंशियल, इतना क्लियर। इसके बाद फिर हमें किसका करना है, दूसरा क्या हमारा b है, b का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x और यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा y हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये एज ए फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यदि u और b, यानी इफ u एंड b आर द फंक्शंस ऑफ x y, देन जैकोबियन ऑफ u b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको हम क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। क्या बोल देंगे इसको हिंदी में, तो बोलेंगे यू बी का एक्स एंड वाई के सापेक्ष जैकोबियन। और हिंदी में आप लोग कह सकते हैं जैकोबियन ऑफ यू कोमा वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, इतना समझ आ रहा है। थोड़ा इंक फीका चल रहा है, मैं इंक भर लूँ इसमें, आप इसको नोट कीजिए तब तक। ठीक है, मैं थोड़ा इंक डाल लूँ, इसको नोट कर लीजिए एक बारी। चलिए, तो हमें यहां से क्या पता चल गया कि जैकोबियन क्या होगा। अब यही अगर 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता, मतलब यू बी डब्ल्यू 3, एक तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, पहला टाइप तो आप ये लिख लेंगे, मतलब 2 फंक्शन वाला जैकोबियन क्या होगा आपका, ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, दूसरा देखिए, सेकंड, अगर आपको 3 फंक्शन दे रखे हो, कितने, 3 फंक्शन से मतलब क्या है,
दूसरा लिखना है यहाँ, तीन फंक्शन से मतलब है कि अब आपको u दे रखा होगा एक फंक्शन तो x बाई जेड का, v दे रखा होगा आपको दूसरा फंक्शन x बाई जेड का, एंड w दे रखा होगा तीसरा फंक्शन x बाई जेड का। तो इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप u v w का जैकोबियन बताओ किसका, u v w का, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू अपॉन में एक्स बाई जेड, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू बी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एक्स बाई जेड। ठीक है, तीनों सिंबल लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ही लिखा है यहाँ पर। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम आप पहले बनाएंगे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और पहले क्या करेंगे आप, ये यू है ना, तो पहले यू का एक्स बाई जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड, u का हो गया। अब v का करेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। इसी तरह से किसका करना है आपको, w का करना है, तो डेल्टा w अपॉन डेल्टा x, डेल्टा w अपॉन डेल्टा y, और डेल्टा w अपॉन डेल्टा z। इस तरह से आप तीनों का निकाल देंगे। अब ये हो जाएगा आपका u बी w का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, x बाई जेड के रिस्पेक्ट में। ये समझ आ रहा है? तो ये छोटे छोटे से दो फॉर्मूले हैं, सिर्फ इन्हीं को यूज करना है आपको पूरे क्वेश्चंस में, क्लियर ना। तो जब भी आपसे दो फंक्शन देगा, यू बी का जैकोबियन पूछेगा, तो यू का पहले एक्स वाई जेड के एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, फिर बी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और तीन फंक्शन वाला होगा तो पहले यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर बी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है, आंशिक अवकलन करना है। इन सब की वैल्यूज कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी मैंने सिखा रखी है, फिर भी हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं करना आपको, इसको सॉल्व करने के लिए इन चार वैल्यूज को निकाल के यहाँ रखना है, इसको सॉल्व करने के लिए इन नौ वैल्यूज को निकाल के यहाँ रखना है, फिर बाद में हमें सारणिक को सॉल्व कर देना डिटर्मिनेंट को। समझ पा रहे हैं सभी? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से क्लियर करता हूँ इसको। चलिए हटा दें इसे, अभी क्वेश्चन की हेल्प से इसको और समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि मिनिमम पांच नंबर में, मैक्सिमम सात नंबर में ये चैप्टर पूछा जाता है। कभी कभी दो नंबर का एक क्वेश्चन और एक पांच नंबर का आता है, और कभी कभी केवल एक क्वेश्चन पूछता है पांच नंबर का। ठीक है, और इस लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, एंड आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, सभी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यह करूँगा, इन सबको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लेना अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन लिखेंगे सभी। यहाँ पर x दे रखा है u 1 प्लस बी, एंड y दे रखा है कितना, y दे रखा है आपको यहाँ पर v और 1 प्लस u, इस तरह से दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डेल्टा, ये दे रखा है आपको यहाँ पर, आप वैल्यू पूछिए डेल्टा किसकी, एक्स वाई, ऊपर एक्स वाई लिया है, एक्स वाई अपॉन में डेल्टा यू कॉमा वी, इसकी वैल्यू बतानी है। अभी तक हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या समझा था कि यू और बी एक्स वाई के फंक्शन होते थे, पर यह उल्टा दे दिया, एक्स वाई यहाँ पर यू और बी के फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ इसको देखना है, किसको, इसको देखना है। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी वैल्यू, मैं यहाँ डायरेक्ट बराबर में इसके फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या बताया था, इसका मतलब है एक्स और वाई का यू बी के रिस्पेक्ट में बताना है जैकोबियन, जो ऊपर लिखा होता है उसका जैकोबियन निकालते हैं, या फिर जो इधर लिखा है ना, इन दोनों का जैकोबियन आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे इस तरह से, पहले एक्स का करेंगे यू और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा यू, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वी। समझ पा रहे हैं ना, x का कर दिया, इसके बाद y का करेंगे u और b के सापेक्ष, क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा u और डेल्टा y अपॉन डेल्टा v, इस तरह से। इतना क्लियर सभी को? अब हमें ये चार वैल्यूज निकालनी है, ये वाली चार वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको मान लीजिए कि सुनो, फंक्शन पहला दिया, इसको पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये दो इक्वेशन है आपके सामने। पहली वैल्यू हमें चाहिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा u, यानी हमें x का करना है u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, ये x वाला फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन का क्या कर देंगे, u के सापेक्ष करेंगे आंशिक अवकलन। हिंदी में आप लिख सकते हैं समीकरण एक का u के सापेक्ष
आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन इंग्लिश में आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके, यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स का हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू के रिस्पेक्ट में। अब जब हम यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर वी कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हमारा नियम होता है पार्शियल डिफरेंशियल का कि जिसके सापेक्ष करते हैं उसके अलावा दूसरा हो जाता है कॉन्स्टेंट। तो हम यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो बी क्या होगा, बी रहेगा कॉन्स्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कीजिए यहाँ पर यू के रिस्पेक्ट में बी कॉन्स्टेंट है तो ये वाला तो सेम आ जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी वन प्लस बी तो सेम लिख देंगे आप, और यू का डिफरेंशियल यू के रिस्पेक्ट में हो गया वन। इतना समझ आया। अगली वैल्यू हमें एक्स का वी के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। एक्स मतलब समीकरण एक है, मैं यहाँ पर पहली बार कर रहा हूँ क्वेश्चन को पूरा सॉल्व आपके सामने, इसलिए ऐसा पूरा लिख देता हूँ, अगली बार से हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल देंगे, ठीक है, जिससे टाइम बचेगा हमारा। तो फिर से लिखता हूँ क्या, समीकरण एक का बी के सापेक्ष आंशिक, एग्जाम में आप इसी तरह से करके आइएगा पूरा, आंशिक अवकलन, इंग्लिश में क्या बोल देंगे आप इसमें, इंग्लिश में पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी कर देंगे यहाँ पर सिर्फ। और जब बी करेंगे तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, यू कॉन्स्टेंट रहेगा, बी के रिस्पेक्ट में यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो किसका करना है हमें, एक्स का ही तो करना है, एक्स का, एक्स वाली यही तो फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्स का कीजिए, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी मिल जाएगा आपको वी, तो बराबर क्या आएगा, बी के रिस्पेक्ट में यू कॉन्स्टेंट है तो यू तो रहेगा ये कॉन्स्टेंट बाहर से एम ऐसे ही। अब वी का कर दो तो वन का हो गया जीरो और वी का हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में वन, ठीक है। इतना आप सबको पता होगा। तो इसकी तो वैल्यू आ रही थी इस फर्स्ट वाले की वन प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, वन प्लस बी, ठीक है, वन प्लस वी। और यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई है, केवल यू, इसकी वैल्यू दो वैल्यू मिल गई हमें पहली वाली। अब इन दोनों वैल्यूज को और निकालना है, इन दोनों वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, बाई का करना है यू के रिस्पेक्ट में, बाई मतलब समीकरण दो का, समीकरण दो का पहले यू के रिस्पेक्ट में, समीकरण दो का यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब यू के सापेक्ष करना तो बी कॉन्स्टेंट, बी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। कीजिए समीकरण दो बाई वाला है, इसका यू के रिस्पेक्ट में डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा। अब यहाँ पर बी कॉन्स्टेंट है तो बी तो बाहर रहेगा, ये वाला कॉन्स्टेंट वाला, अंदर वाले केवल यू का करेंगे तो वन का जीरो हो गया और यू का क्या हो जाएगा, यू का डिफरेंशियल वन हो जाएगा यू के सापेक्ष, बराबर क्या आ गया, बी आ गया। इतना समझ आ रहा है। अब आपको एक और लास्ट रह गया, बाई का बी के रिस्पेक्ट में, मतलब समीकरण दो का बी के सापेक्ष, और कर देंगे, लिख देंगे हम समीकरण दो का बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो यहाँ पर बी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इस तरह जरूर लिख दें जिससे कि आपको और एग्जामिनर को क्लियर हो जाए अच्छे से कि हाँ यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है। तो वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समीकरण दो बाई है, बाई का बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल वी आ जाएगा, बराबर बी के रिस्पेक्ट में यू वाला पार्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा पूरा, यानी वन प्लस यू तो क्या हो गया कॉन्स्टेंट, वी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। समझ पा रहा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस यू आ गई ये वैल्यू। चारों वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है तो निकाल दीजिए अब इसकी वैल्यू किसकी, डेल्टा एक्स कॉमा वाई का जैकोबियन कर रहे हैं हम किसके, यू कॉमा वी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, पहली वैल्यू कितनी है वाली, वन प्लस बी, यहाँ आपने वन प्लस बी रख दिया। दूसरी वैल्यू कितनी, यू आई है, यू रख दिया। इसके बाद तीसरी बाई वाली वैल्यू कितनी है, वी है, इसको वी रख दिया। और अगली वैल्यू कितनी है, वन प्लस यू, तो इसको वन प्लस यू रख दिया। इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, पहले इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर लीजिए वन का कीजिए इसमें तो वन प्लस यू आया, फिर v का करेंगे इसमें तो प्लस में v प्लस यू भी हो गया, ये बीच में माइनस लगाते हैं। अब इसके बाद इन दोनों का करेंगे तो यू भी आ जाएगा, ये u और b, तो यू भी और यू भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया, ये वन प्लस यू प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2009 में 2013 में, दो तीन बार रिपीट हुआ है एग्जाम में ये बार बार, इसको लिख लीजिए। अब मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको समझ आ गया, आपको एग्जाम में इस तरह लिख के आना, पूरा लिख लिख के ना, किसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कौन चीज़ कॉन्स्टेंट है।
अब मैं जो क्वेश्चंस करूंगा डायरेक्ट इन वैल्यूज को निकालूंगा जो यहाँ में चाहिएंगे, तो उससे कम टाइम में हम कर पाएंगे। ये लैंग्वेज वाली थ्योरी आप खुद से लिखेंगे आगे के सब क्वेश्चंस में। तो इसको रफ करते हैं और हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हटा दें इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ लिख लीजिए आप इसे, देखिए कोशिश करेंगे अगले लेक्चर से मार्कर चेंज कर लेंगे, ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा क्लियरिटी कम आती है, इस लेक्चर को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, अगले लेक्चर से मार्कर चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है आपको आगे तक। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, पहले पार्ट में आपको वैल्यू बतानी है x y का r थीटा के रिस्पेक्ट में, डेल्टा x कोमा y अपॉन डेल्टा r कोमा थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मतलब प्रूव करने को दिया है इसकी वैल्यू आर आएगी, ये आपको बताना है पहला। और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसका उल्टा, डेल्टा आर कोमा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स कोमा वाई, इसकी वैल्यू वन अपॉन आर होगी, दूसरा ये करना है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो यस चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहली वैल्यू हमसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या पूछा है आपसे, डेल्टा एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा आर कोमा थीटा पूछा है। इसका मतलब हो गया एक्स वाई का हमें आर थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हमने पढ़ा है पहले हम डेल्टा बनाते सारणिक बनाते हैं, डिटर्मिनेंट एक्स लिखा था पहले एक्स का आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर, फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, इस तरह। फिर वाई का करेंगे, वाई का आर के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, ये चार वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं चारों वैल्यूज को। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इनको डायरेक्ट निकालूंगा वैल्यूज को, लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अब लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे। जब हमें वैल्यू निकालनी होगी किसकी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर की, तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एक्स पहला समीकरण है ना हमारा, तो समीकरण एक का किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करने पर, जब आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा रहेगा कॉन्स्टेंट। ये चीज़ आप थ्योरी की लाइन में पूरा लिखेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको आर के रिस्पेक्ट में करना, तो थीटा हो जाएगा कॉन्स्टेंट, मतलब कॉस थीटा हो गया कॉन्स्टेंट, और आर का क्या आ जाएगा, आर का डिफरेंशियल वन हो गया आर के रिस्पेक्ट में, आर का आर के रिस्पेक्ट में, मतलब आर है इसका आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, इतना आप सबको पता होगा। अगली वैल्यू किसकी चाहिए हमें, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स का चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में। जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे आप इस एक्स का, तो इस केस में आर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आर को एज इट इज लिख देंगे, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस में साइन थीटा होता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगली दोनों वैल्यूज, अब बाई का करना है, बाई का करना है किसके, आर के रिस्पेक्ट में, डेल्टा आर बाई का आर के रिस्पेक्ट में, बाई का आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आप सबको पता बाई का जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये थीटा वाला पार्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज लिख जाएगा साइन थीटा। और आर का करना है तो आर का हो जाएगा वन, आर का कितना हो जाएगा, आर का हो गया वन, इतना समझ आया। चौथी वैल्यू थीटा बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बाई का करेंगे, तो इस केस में आपका बाई वाला कौन सा, ये है, इसमें आपका आर कॉन्स्टेंट रहेगा, आर हो गया कॉन्स्टेंट, एंड आपका साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा डिफरेंशियल। इतना क्लियर हुआ, इन चारों वैल्यूज को यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन में। जब लिखेंगे तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, डेल्टा एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा आर कोमा थीटा की, यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। इसकी जगह पर पहली वैल्यू कॉस थीटा आई है, कॉस थीटा लिख दिया, एक्स वाली दूसरी वैल्यू माइनस का साइन आगे आ जाएगा, आर साइन थीटा है, लिख दिया, तीसरी वैल्यू साइन थीटा, ये भी लिख दिया, चौथी वैल्यू आर कॉस थीटा। इतना समझ आया, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसका इसमें करेंगे तो आर तो आ गया जाएगा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लेते हैं, जब इन दोनों का करेंगे तो एक माइनस ये वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस आर और साइन स्क्वायर थीटा, आर यहाँ से कॉमन,
अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू होती है इसकी, वन होती है, वन होती है, डेट मीन्स क्या आ गया, आर आ गया, समझ पा रहे हैं। और हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पर आर ही तो लाना था, तो आपका ये प्रूव हो चुका है। तो क्लियर हो गया है सभी को, तो यही आपको वैल्यू लानी थी, प्रूव हो गया पहला, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हटा दें। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। इसको देखिए, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको सेकंड में, सेकंड में आपको वैल्यू निकालनी है डेल्टा आर कोमा थीटा का, करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स कोमा वाई के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर तो आप आर लिखेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, आर का करना है आपको, डेल्टा आर का पहले करेंगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे आर का वाई के रिस्पेक्ट में, इतना क्लियर। इसी तरह थीटा का करेंगे, फिर थीटा का पहले आर के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। अब जब हमें आर का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इधर हमारी वैल्यू आर होनी चाहिए और थीटा होना चाहिए, मतलब इस केस में हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आर और थीटा है ना, इधर एक्स वाई की जगह आपका आर और थीटा आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आर और थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। दो तरीके हैं इसको निकालने के, पहला तरीका हो गया यहाँ से आर निकालो, एक्स अपॉन थीटा आ जाएगा, यहाँ से हमें आर और थीटा चाहिए ना, तो आप यहाँ से एक काम कर लीजिए, इन दोनों को इस तरह से कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़, या तो आप आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, जो कि आर अपॉन कॉस थीटा आएगी, आर के प्लेस पर रख दो, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, तो आर निकल जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके थीटा भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सबसे सिंपल, आप पहले इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर। अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इस साइड तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, LHS में मिल गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर के, इधर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना समझ पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इतना समझ आया। इसकी वैल्यू वन होती है, इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, रूट बन जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरा, अब हमें थीटा निकालना, तो आप दोनों का डिवाइड कर दूँ, ठीक है, दोनों का डिवाइड, तो मैं यहाँ कर, इधर ही कर देते हैं, जगह है अभी, साइन को ऊपर रखना, कॉस को नीचे, तो साइन को ऊपर रखेंगे तो इक्वेशन दो को पहले लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो इधर तो आपको ऊपर ये दो को पहले रखना है आपको, तो इधर हो गया कितना, मैं इस साइड वाले को पहले लिख दूँ आर साइन थीटा, इस साइड वाले का इस साइड वाले से ही डिवाइड करना है, आर कॉस थीटा बराबर इधर कितना वाई है और इधर कितना ये एक्स है, समझ पा रहा है। मतलब इक्वेशन दो को हमने नीचे, इक्वेशन दो को हमने ऊपर लिख दिया, आर साइन थीटा बराबर वाई कह दो या वाई बराबर आर साइन थीटा, दूसरा फिर आर कॉस थीटा बराबर एक्स इधर लिख दिया, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, ये साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये वाई अपॉन एक्स आ गया, समझ पा रहे हैं सभी। आप इसको थीटा निकालेंगे तो इसको इधर ले जाओ, टेन को इन्वर्स बन जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर टेन इन्वर्स वाई अपॉन एक्स, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इतना बताइए, ये चीज़ समझ आ रही है सभी को, तो हमारे यहाँ से आर भी मिल गया और थीटा भी मिल गया। अब इन चारों वैल्यूज़ को निकाल लीजिए, तो पहली वैल्यू मैं निकालता हूँ क्या, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स को, इसका मतलब हमें आर का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, आर आर ये वाला है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो बाई हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो रूट में कोई भी नंबर हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे हमें रूट एक्स का डिफरेंशियल करना हो, तो हमें पता है इसका डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स आता है, क्या था, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वही यहाँ पर आएगा, वन अपॉन टू नीचे आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ये डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वन अपॉन टू रूट में, यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो डिफरेंशियल हो गया, इनटू में
अब ये इसके रूट के अंदर वाले का और करेंगे इंटू करके, क्योंकि अगर यहाँ केवल एक्स होता तब तो होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के अलावा जो भी है इसका फिर से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका, जब फिर से करेंगे तो हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 2x, वाई का हो जाएगा 0 क्योंकि वाई तो कॉन्स्टेंट है। इतना समझ आया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच गई आपके, एक्स ऊपर और नीचे रूट में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है, वेरी गुड। अगली वैल्यू, ये पहली वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू आर का करना है वाई के रिस्पेक्ट में, आर का वाई के रिस्पेक्ट में, सेम इसी का करना वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट में आएगा सेम ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू में। अब इसका अंदर वाले का करेंगे तो इस बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका हो गया 0 और वाई का होगा तो 2 आ गया जाएगा 2y, तो यहाँ भी क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, इधर वैल्यू मिल जाएगी वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये हमारी दो वैल्यू निकल चुकी हैं। अब हमें थीटा का और करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है, यस। चलिए यहाँ एक तो वैल्यू यही निकल जाएगी हमारी, थीटा का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा का कीजिए, थीटा ये है इसका एक्स के सापेक्ष, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² मतलब इस टोटल का स्क्वायर, यानी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में इस ब्रैकेट का फिर से करेंगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, वाई कॉन्स्टेंट हो गया, और 1/x का होता माइनस में 1/x², ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा यहाँ पर, इसका इसमें गुणा होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा केवल माइनस का वाई, और नीचे क्या बचेगा, इसका इधर गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। इतना समझ आया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, जब इसका यहाँ गुणा हो जाएगा और नीचे वाला पहुँच जाएगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ वाई पहले से था ऊपर माइनस वन था, ठीक है। तो तीन वैल्यू मिल गई, एक और वैल्यू निकालनी है, मैं इसको रफ करके ऊपर निकाल देता हूँ यहाँ पर एक वैल्यू और, ठीक है, आखिरी वैल्यू, क्वेश्चन आप सबने लिख ही लिया होगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, चौथी वैल्यू थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में, या डेल्टा लगा लीजिएगा, डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में, तो निकालिए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा वाई, जब थीटा ये है इसका वाई के सापेक्ष कीजिए, टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 + x² मतलब वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इन टू में, अब ब्रैकेट का इसका फिर से करेंगे तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और नीचे एक्स कॉन्स्टेंट रह गया तो 1/x आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, ऊपर केवल एक्स बचेगा, ऊपर बचेगा एक्स और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चौथी वैल्यू आ गई, ठीक है। इन चारों वैल्यूज़ को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब चारों की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, समझ गया तक। अब यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए यहाँ सॉल्व कीजिए, इसे कितना आ रहा है, ये पहली वैल्यू आर अपॉन एक्स वाली, आर अपॉन एक्स की एरी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर आर का वाई के रिस्पेक्ट में ये रहा वाई अपॉन रूट में, वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसके बाद तीसरी वैल्यू थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगली चौथी वैल्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। हटा दें अब इसको, इधर को मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने चारों वैल्यूज पुट कर ली, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इधर ये तो हो गया ऊपर एक्स स्क्वायर, ऊपर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ये इसकी पावर मतलब है 1/2 पावर है इसका मतलब ये हुआ, या मैं सिंपल इसको लिख सकता हूँ कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट में यहाँ ब्रैकेट लगा लो, रूट में कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किस किस का मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें हो गया, अब प्लस में, अब इसका इसमें हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस ये था प्लस हो गया है, वाई का वाई में वाई स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे सेम आ जाएगा आपका ये वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के बाहर, और रूट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर रूट में कितना है वन, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सेम है, कैंसिल हो गया पूरा, ये क्या आ गया आपका वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने जो अपना फंक्शन वन बनाया था स्क्वायर करके जोड़ने के बाद, तो यही तो थी आर की वैल्यू, आप पीछे मैंने मिटा दिया उसको, आर की जो ये वाली जो वैल्यू है ये आर की वैल्यू आप देख लीजिएगा इक्वेशन वन जो बनाई थी हमने, तो वन अपॉन आर हो गया, मतलब हमें यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड कह सकते हैं अब इसको, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बोर्ड पर मिटा करके करना पड़ा है, बट आप स्टेप बाई समझे होंगे अच्छे से, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब मैं जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा तीन फंक्शन वाले करने वाले हैं, थोड़े से लेंदी रहेंगे लेकिन इजी हैं, इजीली आप समझ लेंगे, इसको रफ करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये 2019 में भी पूछा गया है और कई साल से रिपीट हो रहा है बार बार, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं करूँगा, मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, यू वन इक्वल टू यू टू यू थ्री, तीन वैल्यू दे रखे हैं और यू वन यू टू यू थ्री का जैकोबियन फोर आपको प्रूव करना है, ठीक है। आई थिंक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, इसमें क्या है, यू वन बराबर दिया है आपको एक्स टू इंटू एक्स थ्री अपॉन में एक्स वन, कोमा दूसरी वैल्यू यू टू की दे रखी है, यू टू इक्वल टू आपको दिया है एक्स थ्री इंटू एक्स टू अपॉन में एक्स वन, और तीसरी वैल्यू आपको यू थ्री की, सॉरी यहाँ यहाँ आएगा एक्स वन एक्स थ्री, एक्स वन इंटू एक्स, ये एक्स थ्री इंटू एक्स वन और यहाँ एक्स टू है, और तीसरी वैल्यू दे रखी है यू थ्री की एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन में एक्स थ्री, ये तीन वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, u1 दिया है x2 x3 अपॉन x1, ठीक है, u2 दिया है x3 अपॉन x3 इंटू x1 अपॉन x2, और ये x1 x2 अपॉन x3, ये तीन वैल्यू आपको दे रखे हैं। अब आपको निकालना क्या है, इसमें आपको प्रूव करने को कहा है, इसमें आपसे कहा प्रूव कीजिए कि जैकोबियन ऑफ u1, किस किस का जैकोबियन, u1 का, u2 का और u3 का, ये फोर आना चाहिए, ये इसमें आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा इसे देखिएगा ना, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं ये। चलिए अब समझते हैं इसको, समझ पा रहे हैं, u1 u2 u3 तीन फंक्शन है जो x1 x2 x3 के रूप में है, वैल्यू निकालनी है हमें जैकोबियन u1 u2 u3 की, वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले u1 u2 u2 u3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये u1 u2 u3 इन सब का जैकोबियन, तो सारणी बनाएंगे एक, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन x1 x2 x3 का, तो x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में आपको करना है, पहले u1 का कर दीजिए, तो डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर u1 का x2 के रिस्पेक्ट में, फिर u1 का x3 के रिस्पेक्ट में, तीन वैल्यू, अगली तीन वैल्यू क्या आएंगी, डेल्टा u2 का पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर u2 का x2 के रिस्पेक्ट में, फिर u2 का x3 के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से फिर u3 का करेंगे, u3 का x3 के रिस्पेक्ट में, फिर u3 का, नहीं नहीं वन से शुरू करेंगे सॉरी, x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के रिस्पेक्ट में, फिर u3 का और x3 के रिस्पेक्ट में, ये आपको नौ वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। पहले u1 का किया तीनों के रिस्पेक्ट में, फिर u2 का किया तीनों के रिस्पेक्ट में, फिर u3 का तीनों के रिस्पेक्ट में, नौ वैल्यू आपको ओवरऑल निकालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं करने की, पहली वैल्यू हम निकालेंगे किसकी, डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x1, इसका मतलब क्या है, u1 का करना है x1 के रिस्पेक्ट में, जब x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x2 और x3 हो जाएगा कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, u1 का करना है x1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट होगा, x2 x3 कांस्टेंट, तो x2 x3 को बाहर लिख लो, x2 x3 को बाहर लिख लिया, अब केवल करना किसका है, वन अपॉन एक्स वन का करना है, तो वन अपॉन में होता तो माइनस वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर, ये पहला आ गया हमारा, पहली वैल्यू आ गई, समझ आया। अगला क्या करना है हमें, यू वन का एक्स टू के रिस्पेक्ट में, इसी यू वन का करना है एक्स टू के सापेक्ष, तो डेल्टा यू वन अपॉन डेल्टा एक्स टू,
यू वन का एक्स टू के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स थ्री और एक्स वन कॉन्स्टेंट, तो एक्स थ्री अपॉन एक्स वन कॉन्स्टेंट, एक्स थ्री अपॉन एक्स वन कॉन्स्टेंट किसका करना है, केवल एक्स टू का, एक्स टू इस बार ऊपर है तो एक्स टू का सीधे वन हो जाएगा, एक्स टू का, एक्स टू का एक्स टू के रिस्पेक्ट में वन हो गया, नीचे होता तो माइनस वन अपॉन स्क्वायर हो जाता है और ऊपर होता सीधे सीधे वन हो गया, ठीक है। तीसरी वैल्यू यू वन का एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में, एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में कीजिए यू वन का, एक्स थ्री ये है तो कॉन्स्टेंट एक्स टू एक्स वन कॉन्स्टेंट, एक्स टू अपॉन में एक्स वन कॉन्स्टेंट और एक्स थ्री का वन हो जाएगा, ऊपर लिखा है इसलिए। तीन वैल्यू निकल गई, अगली तीन वैल्यूज देखिए, अगली तीन कौन सी, अब यू टू का करेंगे, डेल्टा यू टू अपॉन पहले एक्स वन के रिस्पेक्ट में, यू टू ये वाला है, इसका वन के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स थ्री और एक्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स थ्री अपॉन में एक्स टू कॉन्स्टेंट हो गया और एक्स वन ऊपर है तो एक्स वन का केवल वन हो जाएगा। अगली बार यू टू का एक्स टू के रिस्पेक्ट में कीजिए, यू टू कौन सा, यही वाला, इसका एक्स टू के सापेक्ष करना, नीचे है एक्स टू तो ये दोनों तो कॉन्स्टेंट हो गए, एक्स थ्री एक्स वन, एक्स थ्री इंटू एक्स वन कॉन्स्टेंट हो गए और वन अपॉन में है एक्स टू तो माइनस वन अपॉन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स टू का स्क्वायर, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद तीसरी वैल्यू निकालनी है हमें, कौन सी, यू टू का एक्स थ्री के सापेक्ष, यू टू का करना है आपको एक्स थ्री के सापेक्ष, यू टू ये वाला एक्स थ्री ऊपर लिखा है तो आपको एक्स वन और एक्स टू कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स वन अपॉन एक्स टू कॉन्स्टेंट हो गया और एक्स थ्री का एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा वन। ये तीन वैल्यू क्लियर हुई, अगली वाली तीन वैल्यू ये निकालनी है यू थ्री वाली, तो क्या आएगा पहला आपका, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे आप यू थ्री का एक्स वन के रिस्पेक्ट में, एक्स वन के रिस्पेक्ट में कीजिए यू थ्री का, यू थ्री ये है, वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर टू और थ्री वाला कॉन्स्टेंट, यानी एक्स टू अपॉन एक्स थ्री कॉन्स्टेंट हो गया और एक्स वन का एक्स वन के रिस्पेक्ट में हो गया वन, ठीक है। अगला यू थ्री का करना है एक्स टू के रिस्पेक्ट में कीजिए, एक्स टू टू के रिस्पेक्ट में तो वन और थ्री कॉन्स्टेंट, एक्स वन अपॉन एक्स थ्री कॉन्स्टेंट और टू वाले का हो गया वन, ठीक है। अगली वैल्यू, अगली वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ निकाल देना, थोड़ा जगह कम है आई थिंक, यहाँ तक दिख रहा है यू थ्री का एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में, देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख जा रहा है, यहीं तक दिख रहा है सिर्फ यू थ्री, यू थ्री ये है एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में करना तो एक्स वन एक्स टू बाहर हो जाएगा, एक्स वन इंटू एक्स टू कॉन्स्टेंट है और वन अपॉन में है ये तो माइनस का वन अपॉन एक्स थ्री का हो जाएगा स्क्वायर। ये हमने नौ की नौ वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है, इन नौ वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर भरना है डिटर्मिनेंट में। पहले जो वैल्यू निकाली आप एक बार इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं इन सब वैल्यूज़ को भर देता हूँ डिटर्मिनेंट में, हो गया इतना रफ करके, अब आपको चार सॉल्व करके लाना, चार दिखाता हूँ सॉल्व करके, ठीक है, यहाँ से रफ कर रहा हूँ पूरा। और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है जैकोबियन ऑफ यू वन यू टू यू थ्री की, ठीक है, इन सब पहले यू वन वाली वैल्यू भरनी है, फिर यू टू वाली, फिर यू थ्री वाली, इसको मिटा करके और यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं, इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व करना रह जाएगा। डिटर्मिनेंट बना दिया, डिटर्मिनेंट और इसके अंदर वैल्यू भरिए, पहली वाली वैल्यू कौन कौन सी है, माइनस में माइनस एक्स टू एक्स थ्री अपॉन में एक्स वन का स्क्वायर, ठीक, दूसरा यू वन की दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स थ्री अपॉन में एक्स वन, तीसरी वैल्यू क्या है, एक्स टू अपॉन में एक्स वन, यू वन वाली तीनों वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू भर चुके हम। इसके बाद यू टू वाली वैल्यूज भरिए, यू टू वाली वैल्यूज ये वाली, एक्स थ्री अपॉन एक्स टू, एक्स थ्री अपॉन एक्स टू, इसके बाद अगला माइनस आगे है तो माइनस में एक्स थ्री इंटू एक्स वन अपॉन में नीचे एक्स टू का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। तीसरी वैल्यू भरिए, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं शिफ्ट, तीसरी वैल्यू क्या है, एक्स वन अपॉन एक्स टू, एक्स वन अपॉन एक्स टू, ठीक, ये तीन वैल्यू भी आ गई हैं। अगली तीन वैल्यूज लिख लीजिए इसमें, एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, इसके बाद एक्स वन अपॉन एक्स थ्री, एक्स वन अपॉन एक्स थ्री, इसके बाद माइनस आगे है तो माइनस में एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन में एक्स थ्री का स्क्वायर, ये समझ आया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, अब डायरेक्ट प्रसार मत कीजिएगा, पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा लो यहाँ पर जिससे आसान हो जाए। तो इसमें से आर वन, पहली रो को आर वन कहते हैं, आर वन में से एक्स वन का स्क्वायर कॉमन ले लो, आर टू में से एक्स टू का स्क्वायर बाहर,
आर थ्री में से एक्स थ्री का स्क्वायर बाहर, ठीक है कॉमन ले रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं आर वन आर टू आर थ्री में से क्रमशः, क्रमशः का मतलब आर वन में से कितना एक्स वन का स्क्वायर, आर टू में से एक्स टू का स्क्वायर, आर थ्री में से एक्स थ्री का स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर टेक कॉमन दिस फ्रॉम दिस दिस दिस, ठीक है लिख लेंगे आप इंग्लिश में, कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, अपॉन में है तो अपॉन की फॉर्म में ही बाहर आएगा ये, वन अपॉन में एक्स वन का स्क्वायर इंटू एक्स टू का स्क्वायर इंटू एक्स थ्री का स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अब ये अंदर बच गया यहाँ पर तो वन था बाहर चला गया, बचा माइनस में एक्स टू एक्स थ्री, यहाँ था नहीं तो ऊपर पहुँच जाएगा एक एक्स वन, यहाँ हो जाएगा एक्स थ्री इंटू एक्स वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा एक्स टू इंटू एक्स वन, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नीचे आ जाओ, इसमें इसमें से एक्स टू कॉमन लिया तो यहाँ एक्स टू नीचे केवल वन है, हमें स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर बन जाएगा एक्स टू एक, तो एक्स थ्री इंटू एक्स टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स थ्री एक्स वन, और यहाँ हो जाएगा एक्स वन एक्स टू या एक्स टू एक्स वन कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आ जाओ तीसरे में, यहाँ से एक्स थ्री का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से ऊपर बन जाएगा एक्स थ्री, तो एक्स टू ऊपर पहुँच जाएगा से मतलब ये है नीचे हम स्क्वायर बना देंगे, तो एक्स थ्री का ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला स्क्वायर बन के बाहर चला गया, ऊपर एक्स थ्री बच गया इसके साथ, तो एक्स टू इंटू एक्स थ्री हो गया ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वन इंटू एक्स थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स वन एक्स टू, क्योंकि यहाँ तो पहले था स्क्वायर है बाहर चला गया पूरा, इतना हो गया। अब देखिए इसमें से पूरी लाइन सेम है, एक्स टू एक्स थ्री एक्स टू एक्स थ्री एक्स टू एक्स थ्री, यहाँ पर एक्स वन एक्स थ्री है पूरे में, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू है सब में, तो इस बार सी वन सी टू और सी थ्री में से कॉमन लेंगे क्या क्या, इसमें से एक्स टू एक्स थ्री, इसमें से एक्स थ्री एक्स वन, इसमें से एक्स टू एक्स वन, इस पूरी लाइन में से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार बाहर, इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं एक्स टू एक्स थ्री, एक्स टू एक्स थ्री सी वन में से इंटू सी टू में से क्या कॉमन ले रहे हैं एक्स वन और एक्स थ्री, नहीं इसमें से एक्स टू एक्स थ्री, इसमें से एक्स वन एक्स थ्री, एक्स वन एक्स थ्री इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स वन एक्स टू कॉमन आ रहा है, एक्स वन एक्स टू कॉमन आ गया, नीचे क्या लिखा हुआ था स्क्वायर, एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर एक्स थ्री का स्क्वायर, और अंदर क्या बचा ये सब वन वन हो गए, पहला माइनस वन फिर वन फिर वन, ये वाला वन माइनस वन वन, ये वाला वन वन और माइनस वन, इस तरह से ये वैल्यू जा गई सब, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से ऊपर, ये एक्स वन इंटू एक्स वन का स्क्वायर हुआ, एक्स टू एक्स टू एक्स टू का स्क्वायर हुआ, एक्स थ्री मिलकर एक्स थ्री का स्क्वायर हुआ, ऊपर नीचे कट जाएंगे सब ये, ठीक है कर देते हैं सॉल्व। ऊपर तो हो गया कितना, ये पहले एक्स टू है तो एक्स टू का स्क्वायर इंटू फिर एक्स थ्री का स्क्वायर, इसके बाद एक्स वन का स्क्वायर, सेम नीचे भी यही चीज़ है, नीचे क्या है एक्स वन का स्क्वायर, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं उससे, कोई सा कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या क्या था, माइनस वन 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 फिर माइनस वन 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 और माइनस वन, यही है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया सेम टू सेम। इसका प्रसार कर दीजिए, प्रसार करना आता है ना आर वन के अनुदिश, तो माइनस वन है पहला ये लाइन और ये लाइन, माइनस वन वन हो गया, फिर माइनस में इसका इसमें जीरो हो गया, मतलब वन वन जा वन हो गया, पहला प्लस दूसरा माइनस लेते हैं, फिर माइनस वन, ये बीच वाली लाइन ये वाली और ये वाली, इसका इसमें माइनस वन आएगा, ये माइनस में इसका इसमें ये भी वन हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा जगह प्लस माइनस प्लस, अगला वन है इसके लिए ये लाइन हटाओ ये हटाओ, वन वन जा वन हो गया, और माइनस का वन ये प्लस का वन हो गया, कितना आ गया बाहर ये तो जीरो हो गया, वन में से वन घटाएंगे जीरो बचा, फिर माइनस में वन अंदर कितना, ये माइनस का टू, प्लस में वन अंदर कितना है टू, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का टू, और प्लस में ये भी टू, तो टू टू जा कितना हो गया फोर, टू और टू फोर हो गया आंसर, यही आपको लाना था इसका, फोर लेके आना था, क्लियर हुआ सभी को, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं कुछ, और ये सब आपको करके देखने हैं, एक आध क्वेश्चन और होंगे आपकी बुक में, ये आप करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा मैं दे रहा हूँ आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसको आप सब लोग करके देखेंगे, इसको हटा दें, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे आप लोग कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे आगे। यहाँ लिख देते नीचे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी लोग करेंगे प्लीज करके ना, और जिनका प्रूव हो जाएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर हमसे हो गया। क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, और होमवर्क में जो भी बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में उनके नाम हम ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको करना है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, यू इक्वल टू आपको दिया है एक्स वाई जेड,
v इक्वल टू आपको दिया है एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, एंड तीसरा w इक्वल टू आपको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। ये तीन फंक्शन दे रखे हैं आपको, प्रूव करना है इसमें u v w, इन तीनों का करना है किसके रिस्पेक्ट में, x वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। और ये कितना आना चाहिए, यह आना चाहिए x माइनस वाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे में y माइनस जेड और तीसरे में जेड माइनस एक्स। ये आपको प्रूव करना है, 2007 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग होमवर्क में करके देखेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी जैकोबियन की कुछ थ्योरम बताऊंगा, उन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो हो सकता है अगले लेक्चर में जैकोबियन हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। अगले में नहीं भी हुआ तो दो पार्ट और कर लेंगे, लेकिन चैप्टर आपका पूरे अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका फिर ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, और मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन आपको ये सभी को होमवर्क में ज़रूर करके लाना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर बाय बाय, टेक केयर।